अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ यम्मी सी फ़िश फ्राई, मछली फ्राई करूँगी आज। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होती है और ये झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए जो हमने लिया है, 1 टेबल स्पून है बेसन, 1 टेबल स्पून है चाट का मसाला, 1 टेबल स्पून है हमारे पास ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, 1/2 टीस्पून है हल्दी, 1/2 टीस्पून है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून है हमारे पास पिसा हुआ धनिया, नमक हसबे ज़रूरत है, और 1 टेबल स्पून है कुटी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी है कुटी हुई मिर्च। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ये फिश जो थी ये पूरी 1/2 kg थी। अब हमने इसमें सारे अपने मसाले डाल दिए, अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमने मछली को मसाला लगा दिया, और सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, ये हमारे पास 1 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मछली को ये मसाला लगा दिया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, भूल गई थी डालना, और दही भी इसमें 2 टेबल स्पून डलती है, वो ऑप्शनल है, डाले तो कोई मसला नहीं है, ना डाले तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं डालती हूँ, अभी घर में अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। ये मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून बेसन, जिसकी मैं कोटिंग करूँगी मछली फ्राई करते वक्त। इसमें मछली में, इसमें बेसन में भी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या ऐड करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब इसमें बेसन में जो हमने 3 चम्मच बेसन लिया था, इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा नमक, क्योंकि हम इसकी कोटिंग करेंगे तो नमक इसमें ऐड करेंगे, और इसमें थोड़ी सी जाएगी लाल मिर्च, क्योंकि हम ये चटपटी सी बना रहे हैं अपनी फिश, और आपको पता है फिश जो होती है फ्राई वाली तो वो तो चटपटी ही होती है। अब आपको पता है जैसे कि कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा है, अल्लाह पाक हम सबको रोज़े रखने की तौफीक दे, और आप भी रोज़े रखिएगा, हम भी रोज़े रखेंगे, और जब चांद देख के आप दुआ मांगे तो हमें भी याद रखिएगा। अब मैं इसे मिक्स करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, फिर 1 घंटे के बाद हम इसे तलेंगे तो फ्राई करेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये बेसन था, ये देखें मैंने इसकी इसमें लाल मिर्ची और नमक ऐड किया है। अब ये जब मैं इसमें कोटिंग करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह का बैटर है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। जैसे कि हमने आपको बताया था, हमने अपनी फिश जो है मैरिनेट कर दी है, अब हम इसको फ्राई करने लगे, तो मैं आपको दिखा। तो हम इस तरह से इसको पीस को लेंगे, इसमें अपने इसमें हम इसमें कोटिंग करेंगे। तो ये फिश फ्राई हो रही है, ये जैसी होती है मेरी फिश फ्राई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी जो है फ़िश झटपट से तैयार होने वाली फ़िश तैयार हो चुकी है, फ्राई की है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनी है ये, और आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल पकी हुई है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे केचप से खाएँ, रायते से खाएँ, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज की वीडियो हमारी, रमज़ान का चांद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।